गुड मॉर्निंग 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 गाइस, ये है सुबह सुबह का नाश्ता। कैसा दीदी? अच्छा। गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू रखनीस ब्लॉग। जल्दी से लाइक कर दो सबकी। गुड मॉर्निंग का आप ये वो दे दो, जैसे टीचर बोलते हैं ना, ओके गुड मॉर्निंग सिट डाउन। सिट डाउन हम तभी होंगे जब आप लाइक कर दोगे। ओके, तो होली पर सबसे पहले यहाँ पर टीका। हम तीनों को ही बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लास्ट ईयर तो बाबूजी भी थे हमारे साथ, कितना अच्छा था। हैप्पी होली। सेम टू यू। हल्का सा लगाना। हैप्पी होली गाइस। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। दीदी कहाँ? दीदी हाँ, पूनम मैन कोई बात नहीं, नहीं वैसे भी कहाँ नाती है, तेरे को तो बहाना चाहिए। हैप्पी होली भाई। हैप्पी होली। तूने फिर मेरे मुँह पर लगाया, तू नहीं पिटे। हैप्पी होली ब्रदर। नहाले नहाले आज तो नहाले, दुनिया होली दिवाली नहाती है, तू होली दिवाली पे भी नहा तो। आजा भैया। भाई देखो, हैप्पी होली भैया। हमारे आकाश भैया हैं और ये ऐसा कांड करके आए, इस टाइम में बता नहीं सकता हूँ। तू आकाश को डाल रही, भूल गई होली के दिन। होली के दिन क्या हुआ था, भूल गई? हम लोग छत पे लड़ रहे थे, हमारे पे आकाश ने गला पकड़ के उठा दिया था, बिल्कुल चोक कर दिया था उसको। याद है होली का दिन था यार? यही है, तब भी उतनी ही लंबी थी जितनी आज है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छे छोटे थे जितने आज। ये आपने बड़ी अच्छी बात करी है। अपना ख्याल रखियो, ठीक है? मैं सच में नहीं जाना। सबको हैप्पी होली। हैप्पी होली हर्षद। हैप्पी होली। अरे वाह, पुनीत ने कैमरा पकड़ा था, कैमरा ऑन नहीं था। वो तो अच्छा है। सुन, मतलब मुझे आगे से दिख जाता है, रेड लाइट नहीं जल रही, मैंने कहा कैमरा बंद है और पूरा बकायदा दिखा रहा है ऐसे करके। चलो चलो रिपीट कर। चल अब तो बने गए। चलो भाई, सबके कलर लग गए यहाँ पे। सैंडी भाई के आंखों में कलर लगना था, वो नहीं लगाया हमने। हैप्पी होली राजू भैया। सबको हैप्पी होली। और अभी पूनम बहन और कीर्ति बहन की लड़ाई हो गई थी, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज हमारा पुनीत कैमरा मैन स्ट्राइक पे था। मैंने पीछे से पकड़ लिया वो कैमरा मैन। बदला कोई बात नहीं, वैसे ही छोड़ दो। मैं यार ही छूट गई हूं। तेरी वजह से वृंदावन पूरा नहीं घुमा ना। अच्छा माफ कर दे। मैंने अपने ऊपर कलर नहीं लगवाया ताकि मेरे को तुम लोग पहचान ना पाओ। मैं सबको हटवा दिया, मैंने 800 भाई कलर लगा। मेरे को बाद में आकर रो रहे भैया, कह रहे कि फोन तेरे पास यूपीआई में कर नहीं सकता, 100 रुपए जेब में पड़े, पैदल पैदल चलना, कभी रिक्शे वाले 100 ही ना मांगे। गाइस, जिस जिसका रमजान चल रहा है वो 10 सेकंड आगे स्किप कर दो क्योंकि मैं खाना दिखाने वाला हूँ। हाँ तो भाई, इतना टेस्टी खाना मैं आपको बता नहीं सकता। ये क्यूना राइस, क्या बोलते हैं, किनोवा राइस भाई। किनोवा बिरयानी। अरे राइस ही है ना यार, मैं हाँ बिरयानी, राइस तो अलग ही होता है बट बहुत टेस्टी है भाई। तूने आवाज कम कर दी इसकी। कुछ को मरना, तेरे को डर नहीं लगता? तो गाइस, मेरी और सुंदरी की थोड़ी तबीयत डाउन है, हम लोग जा रहे हैं मिलान और यहाँ पर पुनीत को आप देख सकते हो।
हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली वाली। कुछ नहीं है मेरे हाथ में, आप दबाए बात ना, आप अपने हाथ में। आप होली नहीं खेल रहे? नहीं तो काम कर रहे हैं ना? नहीं नहीं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे आप आ गाइस, पाई ने पापड़ खिलाया एक, उससे मेरे गले में और दर्द हो गया। गले का कुछ इलाज बता पुनीत। आकाश ने खाना तो घर बोले वो तो गए। नहीं गए तो हैं। गाइस मगर सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। काश बाबूजी हमारे साथ थोड़ा टाइम और स्पेंड कर पाते। सोनी दीदी की शादी, सबकी शादी देख कर जाते। काश अगर बाबूजी देख के आज पता नहीं क्या कर रहे होंगे। मीठे को याद कर रहे होंगे ना पुनीत? पुनीत और बाबूजी, पुनीत में बहुत प्यार था है ना दोनों में। पुनीत तो रोया भी है रात में, बाबूजी के साथ ही रहते थे ना तुम। अच्छा मुझे, मैं तुमसे एक चीज पूछूंगी, बाबूजी मेरी तारीफ करते थे नहीं करते? सच बताना, सच सच। वो तो करते आपकी और भैया की। नहीं मतलब भैया की तो करेंगे ही, मतलब मेरी कुछ करते थे? हाँ, जब आप कॉल करते थे ना उसके आधे घंटे तक फिर आपकी तारीफ होती है। जैसे आपकी डेली कॉल जाती थी, कॉल होने के बाद है ना, फिर उसके बाद आधे घंटे तारीफ करते, फिर उसके बाद भूल जाते, फिर सुबह को कहते कि आज कॉल नहीं आई, फिर शाम को कॉल आ जाती है ना, तो फिर आधे घंटे तारीफ करनी चालू। मतलब यार बाबूजी के साथ अलग बॉन्ड था। हैप्पी होली भाभी। किसी ने मेरे गालों पे नहीं लगाया क्योंकि मेरे गले में दर्द था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने लगा दिया। हैप्पी होली भाभी। थोड़ा सा लगा तो आप? हां जी लगा दे। हैप्पी होली, हैप्पी होली भाभी, आपको भी। अच्छा, ठीक है ठीक है, नीचे पुलाने नीचे। हैप्पी होली आंटी। भैया से मैंने बोरो कर लिया, भैया मैं आपकी स्कूटी खड़ी हुई थी गैलरी पे, तो निकल नहीं पा रही थी गाड़ी थी बाहर, इसलिए तो ले जाऊं मैं? हां ले चला सकती हूं। हां चला लो, चलेगी ठीक। ये तुमसे ये इसका इंजन ठीक हुआ, ठीक चल रही है भैया। ये आपकी गाड़ी की बेइज्जती कर रहा देखो, ये इसकी आदत खराब है, हर किसी की बेइज्जती, हर किसी के गाड़ी की बेइज्जती करता है लड़का। मेरी कर लेना, उसकी मत करना। क्या नाम है उसका? अपाची RTR 160। अरे आपने क्या प्यार से नाम रखा है? वो मेरी धन्नो है। देखा, धन्नो की बेइज्जती नहीं भाई, इसमें कुछ भी बचा नहीं है भाई। सब जो कमी थी मैंने सही करा दी है सारी। यार मेरे भाई चलते हैं, लेकिन सच बता रही हूँ, मन कर रहा है अभी पहले में सोने का, बाम लगाऊं यहाँ पर और सो जाऊं। ममता दीदी हैप्पी होली। अभी उधर ही गई थी, कोल्ड ड्रिंक भी ना मिली। हम लोग कहाँ होली खेल रहे हैं? होली नहीं, हाँ। पाई को पीना भी मंगा देती हूँ ब्लिंकिट से, अभी मंगा रही हूँ, ऑनलाइन मंगा रही हूँ, मंगा रही हूँ, बोल दो अभी 10 मिनट में आ रहा है। तो भाई मैं चला रही हूँ, गियर में भी देने पड़ते होंगे। हाँ हाँ You are right. बस बस हो गया हो गया हो गया। गियर कैसे देना है? अभी फर्स्ट गियर में सबसे नीचे डालो। हाँ हाँ फर्स्ट गियर में चलो। हाय पुनी, आधा घंटा इंतजार करा के आप आ गए। हैप्पी होली। हाँ, हाँ, काम करो और अच्छे से अपने बच्चों को देखो, ठीक है? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। वैसे तो हेलमेट पहन के चलाना चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल ही पास में जा रहे हैं इसीलिए, और हमारे पास हेलमेट भी नहीं है। अभी हमारा पुनीत है 22 साल का। 22 को हो जाऊंगा 10 जून को। 10 जून को हो जाएगा। तो शादी कब करने का प्लान है? अभी तो 10 साल में, मतलब 7-8 साल। बेटा 21-22 साल में सब ये बोलते 10 साल है, लेकिन 25 साल होते ना लोग पीछे पड़ जाते, करो शादी करो। नहीं मैं आकाश भैया, पूनम दीदी, सैंडी भाई सबसे सीखा हूँ, ये तीनों ने आराम से कर रहे हैं शादी, टाइम लेकर करना चाहिए। तो इनकी एज रिवील कर रहा है ये? 30 के हो गए। नहीं नहीं एज नहीं, मतलब टाइम आराम से। बाय द वे ये 30 के नहीं है, अभी 32-32 के हैं तीनों। हेलो ब्राउनू, हेलो बेबी। तो गाइस कल वाले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि हम अपने नए घर की पूजा कराने वाले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज पूजा नहीं हो पाएगी बिकॉज अभी भी थोड़ा सा काम वहाँ पेंडिंग है। हम लोग वहाँ जाके एक बार देख के आते हैं कि अभी कितना टाइम और लगेगा। बाकी बात जहाँ तक होम टूर की है, तो क्या मैं होम टूर कल डाल दूँ? देखो अगर होम टूर डाल देंगे कल, लेकिन प्लीज डाल दो, तुम बहुत वेट करवा रहे हो लोगों को, प्लीज कल हम होम टूर डाल रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ओके, जैसे ही व्लॉग पे 1 लाख लाइक हो जाएंगे मैं पक्का डाल दूंगा। देखो यार व्यूज़ आप देखोगे ना, 5-6 लाख व्यूज़ आते हैं, 1 लाख लाइक करने में वो चली गई यार। मतलब भाई मैं तो हक से बोलता हूँ, 1 लाख लाइक करने में कुछ नहीं होगा यार, मुझे मोटिवेशन मिलेगी बस। आपको अपने भाई के लिए इतना करना है। देखो आप वीडियो तो देख ही रहे हो ना, तो पता है लाइक करने में क्या होता है, आपका कुछ नहीं जाता, आप ऐसे बस बटन दबा देते हो। मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है, मेरे को लगता है ठीक है लोगों को पसंद आया तो
तो मैं और बनाऊँ, और मेहनत से बनाऊँ, सिर्फ इतना सा है। एक लाख करा दो, एक लाख करा दो यार, किसी को और के फोन लेके कर दो चाहे तो, आज कर दो, आज मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप मुझे देख रहे हो, आज से मैं डेली का रूटीन बनाऊंगा 15 पुशअप का, देखते हैं क्या होगा। एक भी करके दिखा दो मुझे 15 पुशअप। लगन पैक लगाते हैं कि कौन अच्छा करता है। ये फंस गया, लगाओगे? सुनना तू यार, जा यहाँ से। मैं जिस टाइम कुछ करता हूँ ना, तू उस टाइम आके टोक लगाती है। हाँ भाई, मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। 15 पुशअप डेली लगाऊंगा, देखते हैं आज से एक महीने बाद इस बॉडी की क्या शेप होगी। आप लोग मेरी जर्नी में रहोगे मेरे साथ। स्टार्ट। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 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 5
कौन सही करता है? कैसे बताइए तो? Yes. सामने, एक बार फेस सामने देखो, मैं करती हूँ, देखो मैं करती हूँ, देखो साइड से लोग देखेंगे कैसा करती हूँ, देखो ठीक है? भाभी फेस सामने, चुप हो जा। वन, फेस सामने, टू, थ्री, पूरा नीचे, चुप रह, इतना मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। फोर, ऐसे भी खड़े होकर दिखा दो, मान जाऊंगी तुम्हें, तुमसे ना हो पाएगा। अब करके दिखाओ। सात हो गए मेरे, आठ बजते हैं बस। एट, सामने सामने देखो, सामने नाइन, कैमरे में देखो, यस यस, मत करो, रन लो। पंद्रह कितने करने? पंद्रह डेली पूरे, तुम करने का? हाँ हो जाएगा, पंद्रह मैं कर दूंगा, मेरा पेट बहुत निकल गया। मैं प्लैंक तो आराम से दो दो मिनट रह लेता था। ए, ए, ये क्या है? मैं नीचे तक जा रहा हूँ, नहीं 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 जा रहा बेटा, पूरा नाक से छू रहा हूँ उसको, नाक से छू रहा हूँ मैं, एक काम वीडियो दिखाऊँ, आ जा आ जा। इन झूठों को मैंने दिखाया वीडियो अपना खोल के, भाई मैं नाक से छू रहा हूँ इसलिए तो ज्यादा टफ हो रहा है। अच्छा, तू तो ऊपर ऊपर से कर रहा है, तो कोई भी कर ले। एक, दो, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, पीछे वाला हिस्सा पीछे नीचे लाई नहीं रहा। चल ये एक, ठीक है अभी इतना, नहीं नहीं उपाय नीचे को लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेटा नीचे तक भी आ जा, बेटा नीचे तक आ जा, गुड। ये ऐसे कर रहा है यहाँ तक बस। चले तू नए घर पे चले, हाँ देख मसल बन गई मेरी। हाँ भाई ये होता है ना, जब भी कोई पहले पहले दिन जिम जाता है, भाई आके चेक जरूर करता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तू थिनकर्स बनवाया घर पे भी? हां ना, फुल काले काले है। शाम 6 बजे इस पीछे देखो कितना अच्छा सनसेट हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। ये जो आप तीन टावर देख रहे हैं ना बड़े बड़े, ये रेजिडेंशियल ही हैं, मतलब दो हैं, दो अभी बन रहे हैं। गाइस दरअसल ऐसा हुआ कि हमने ना आज सबको छुट्टी दे दी, मतलब मैंने सबको छुट्टी दे दी क्योंकि होली है, इस वजह से मैंने सारे कुक को अपनी छुट्टी दे दी, और सुधीर भी अपनी फर्स्ट होली है उसकी बच्चे के बाद, तो उसको भी छुट्टी दे दी। तो हमारे घर में कोई भी नहीं है खाना बनाने के लिए, मैंने, सैंडी ने और पुनीत ने। वैसे तो सैंडी खाना बना रहा है, हम दो तो अपना क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन सैंडी क्या बना रहा है? कौन सा राइस है? सैंडी हमें बचपन में खाया करते थे ना, ये फ्राइड चावल, फ्राइड चावल है इसमें, हम नींबू डाल के बचपन में दादी बनाती थी, वो बना रहा है सबके लिए। और सब्जी तो वैसे रखी है, पता नहीं क्या क्या रखा है, आई थिंक दाल है और आलू की सब्जी। तू क्या खाएगा? जो मिल जाएगा क्योंकि अभी डिमांड नहीं कर सकते बनाने के। हाँ कोई है नहीं बनाने के, इसको घर जाना, इसका सर बहुत फट रहा है पता तुझे? ये मुझे दो घंटे से बोला बहन बहुत सर फट रहा है, मैंने दवाई ले ले, लेकिन यार ये लखन, पता लखन ने मुझे क्या बोला अभी, जाके सैंडी भैया को बोलता है आराम कर ले, मैंने बोला वो खाना बना रहा है, तो कहता है कि गलत बात है भाई, मैं भी यही बोलूँ गलत बात है, रहने दे। अब तो बन गया, अब क्या रहने थोड़ा सा और बनना था, फिर उसके बाद गलत बात से फिर धनिया डाल के बंद कर रहे हैं। लेकिन सच में यार भाई हो तो ऐसा हो, पुनीत और सैंडी ना मतलब हमारे हमारी लाइफ में आगे ना उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी, मतलब एक तो ये काम बहुत करते हैं, चाहे वो घर का हो या हमारा वैसा काम हो, ऐसा होता है ना कि कोई अपना है काम में तो बहुत अच्छा लगता है, तो ये दोनों तो भाई मैं क्या बताऊँ, मैं भगवान से डेली थैंक यू बोलती हूँ इतनी अच्छी टीम के लिए, इतने अच्छे मेंबर्स के लिए। छोटे क्या खिला रहा है? गोली, और गोली खिला रहा है। अच्छा तो हमारे बच्चे प्योर वेज है, प्योर भी नहीं है, नॉन वेज कभी कभी खा लेते हैं, है ना गुच्चू? गुच्ची नहीं खा रहा? गुच्ची आप नहीं खा रहे हो? इसको मम्मा का फूड खाना है। लगन का मैच चल रहा है एज यूजुअल, बट मुझे मैच का एम भी समझ नहीं आता, एक मैच का इवेंट आया था ठीक है,
तो उन्होंने मुझे बोला कि आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आप क्या आप मतलब आंसर दोगे? तो लखन ने बोला कि वो मैं कर लूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता। तुम्हारा ये सही है, काम के साथ साथ टीवी और मेरी किनोवा बिरयानी। हाँ भाई, बन गया खाना? हाँ बन गया। रोटी तो सेक दे। रोटी नहीं है। हाँ यार, हम दोनों की ये प्रॉब्लम है, रोटी नहीं आती। चल तू रोटी जाके सेक। मैं सेक दूंगा पर उसके बाद खाना पड़ेगा जैसा भी सेकूंगा। भाई मैं तो खा रही थी, मेरे से तो ये है खाना, तू अपना देख, बाकी तो सबको मैं कर दूंगा। चल छोड़ दे भाई, छोड़ दे, तू बैठ जा। तो मैंने अपने लिए साफ़ी मंगाई जो कि ब्लड प्यूरीफायर है, और इसको मैं महीने में एक बार तो भाई पीने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इससे ना ब्लड ठीक रहता है हमारा। अबे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? हाँ उसका फेस वॉश हो रहा है, ब्राउनी का छत पर आया, टॉयलेट का क्या कर रहा है। हम लोग जा रहे हैं गुच्ची और ब्राउनी को वॉक कराने के लिए, और सच बताऊँ आज का दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक है मेरे लिए क्योंकि कुक भी नहीं थे और हाउस हेल्पर भी नहीं थे। इन दोनों को संभालना, घर पर खाना संभालना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है ना। सिर्फ दो ही लोग थे हमारे, और दो लोगों में देखो क्योंकि हमारे मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं। चलो ब्राउनी थोड़ा सा वॉक करके थक जाता है इसलिए इसको गोदी लेना पड़ता है, और वैसे ही ना बच्चों की तरह करता है कि गोदी ले लो, है ना ब्राउनी? हेलो कर दो। हेलो। थक गया है बहुत ज्यादा। और गुजी पुनीत, पुनीत तेरा बैंड बजने वाला है आज, तेरा बैंड बजना नहीं बजना ये बता। बैंड तो क्या बजेगा, देख लो देखो, इसको सिर्फ भागना है, सिर्फ और सिर्फ भाग। तो ब्राउनी भी थक चुका है और गुच्ची भी। हाँ। और मैडम भी। पॉश हो रही है। और मैं सच बताऊँ, मैंने अभी तक ब्राउनी को, गुच्ची को तो आपने देखा होगा मैं शुरू से इसको हैंड वॉश कराती हूँ, लेकिन मैं ब्राउनी को अभी तक नहीं कराया, तो आज मेरा पहली बार है जब ब्राउनी बाहर से आया और उसका हाथ पैर सब साफ हो रहे हैं, है ना ब्राउनी? मम्मा नहीं कराती ना आपको, सुधीर कराता है, छोटे कराता है, लेकिन जब कोई होता नहीं है तो माँ बाप को ही करना पड़ता है ना। इसकी देख रहे हो छोटे, देख इसकी आवाज सुनना है, देख ये डेली रात को ऐसे भागता है या आज ही भागा है? रोज ऐसे ही, सुबह शाम जब भी ले जाओ ऐसी हालत रहेगी। ओके गाइस, बाय बाय, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। व्लॉग को लाइक कर देना अगर आपको होम टू चाहिए तो, वैसे जो लाइक करते हैं वो तो करते ही हैं डेली, मेरे को पता है, बस मैं उन लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ जो नहीं करते, डेली भूल जाते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। एक बोतल गाइस ना पानी की और ग्लास दे दो गाइस, जी दे दो मुझे, सॉरी नहीं ग्लास भी दे दो गाइस, जी बस यही दोनों गाइस जी।